हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपने कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो सीखे, और ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम सीख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने इस क्वेश्चन आंसर के मेथड से सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर के मेथड से सीखने का फ़ायदा क्या है? इसमें सीखने का ये फ़ायदा है कि आप इस एक्सरसाइज को वैसे का वैसा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पाओगे जैसे मैं बता रहा हूँ। इसलिए एक एक चीज़ को आप अच्छी तरह से समझें ताकि आपको पूरा फायदा हो। लेट अस स्टार्ट, अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ थ्रोंग ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर माई रूफ, दस यानी मेरी छत के ऊपर से। थ्रोंग ऑफ बर्ड्स, थ्रोंग कहते हैं भीड़, भीड़ जो होती है या समूह जो होता है उसको थ्रोंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, वर्ड का सिनोनिम पूछिए। तो डिस्पर्सन का अर्थ होता है बिखर जाना, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। स्पार्सिटी का अर्थ होता है विरलता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्राउड, क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़ होता है। तो क्राउड का मतलब भीड़ होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सिनोनिम्स जो है वो क्या हुआ? क्राउड हुआ, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर? क्राउड आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से अपने हमारे इस आंसर को सही करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया अपना क्राउड, इसका आंसर आ चुका है। ओके, अब हम बात करते हैं क्राउड के बाद में। देयर वॉज अ ग्रेट डिस्पर्सन ऑफ पीपल इन द कॉन्ग्रिगेशन, यानी जो जलसा था, जो भीड़ थी, उसके अंदर लोगों का बहुत बड़ा बिखराव था, डिस्पर्सन था। तो डिस्पर्सन लिखा है यानी कि देयर वॉज अ ग्रेट डिस्पर्सन ऑफ पीपल इन द कॉन्ग्रीगेशन, नो वन वॉज सिटिंग ऑन द प्रॉपर प्लेस, कोई भी आदमी अपने प्रॉपर प्लेस पर नहीं बैठा था। इसका मतलब भीड़ के अंदर क्या था? एक बिखराव था। तो द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इज, अब ये इस डिस्पर्सन का, बिखराव का, विरलता का सिनोनिम पूछ रहा है, मतलब समानार्थी पूछ रहा है। स्पार्सिटी हम पहले बात कर चुके हैं, स्पार्सिटी क्या होती है? विरलता होती है, ठीक है ना। स्पार्सिटी विरलता होती है, तो इसका मतलब उसका उत्तर आ गया हमारा, कि हमारा उत्तर इसका आ गया है विरलता, ठीक है ना। तो ये स्पार्सिटी इसका आंसर आ चुका है, तो इसका आंसर हो गया स्पार्सिटी, ठीक है ना। तो डिस्पर्सन का सिनोनिम हमारा हो गया स्पार्सिटी। थ्रॉन्ग मीन्स भीड़ होता है, और असेंबली मीन्स क्या होता है? जलसा, जो इकट्ठा रहे वो, लेकिन ये तो इकट्ठा नहीं रह रहा है, इसका मतलब ये आंसर इसका सही नहीं है। क्वेश्चन अगला देखिए। द सेंट वॉज प्रीचिंग अबाउट द ट्रांजियंट नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, संत जो है मनुष्य जीवन की क्षणभंगुरता, ट्रांजियंट का मतलब क्षणिकता के बारे में उपदेश दे रहा था। तो ट्रांजियंट जो वर्ड दिया अपने रेड कलर के अंदर, कह रहा है इसका एंटोनिम बताइए। एंटोनिम का मतलब क्या? इसका विलोम शब्द बताना आपको। तो लास्टिंग का मतलब जो हमेशा रहे, एंड्योरिंग का मतलब जो टिका रहे, मतलब ट्रांजिएंट तो होता है जो टिके नहीं, क्षणिक हो। अब लास्टिंग का मतलब जो टिका रहे, एंड्योरिंग का मतलब टिका रहे, टेम्परल का मतलब जो टिके नहीं, क्षणिक हो। इसका मतलब हमारे आंसर ए लास्टिंग भी सही है, आंसर बी एंड्योरिंग भी सही है। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन जो है, बोथ ए एंड बी जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? बोथ ए एंड बी। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। ओके, नथिंग इज लास्टिंग इन दिस वर्ल्ड। अब ये देखिए, इस संसार में कोई चीज लास्टिंग नहीं है। लास्टिंग का मतलब क्या? स्थायी नहीं है, टिकी भी नहीं है। तो इस वर्ल्ड में एवरीथिंग इज टेम्परल, हर चीज जो है वो क्षणिक है। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, अब इस टेम्परल का सिनोनिम पूछा, क्षणिक हम पढ़ चुके हैं, क्षणिक को कहते हैं। ट्रांजिटरी जो वर्ड आया इसको क्या कहते हैं? क्षणिक। लास्टिंग का मतलब जो टिकी रहती है वो लास्टिंग, ठीक है ना। और एंड्योरिंग का मतलब जो, एंड्योरिंग का मतलब क्या होता है? जो टिकी रहे। तो लास्टिंग और एंड्योरिंग तो एक ही वर्ड हुआ, तो इसका मतलब ट्रांजिटरी जो है वो क्या हुआ? इसका क्षणिक, इसका सिनोनिम हुआ। तो हमारा आंसर आ गया ट्रांजिटरी। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया कि टेम्परल का जो सिनोनिम है, समानार्थी है, वो ट्रांजिटरी हुआ। तो ट्रांजिटरी वर्ड आपके लिए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पोइट्री इज द थॉट्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विल मोमेंट, यानी कविता जो है वो विचारों का वो समूह है जो शांत क्षणों में इकट्ठा किया जाए, रिकलेक्ट किया जाए। तो ट्रैंक्विल का अपने को सिनोनिम बताना है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सिनोनिम बताना है। तो
ट्रैंक्विल मतलब शांत होता है, इसका मतलब पीसफुल मीन्स भी शांत होता है। अच्छा ये कह रहा है सिनोनिम ऑफ द वर्ड, पीसफुल शांत होता है, कंपोज्ड भी शांत होता है, ध्यान देना है, कंपोज्ड भी शांत होता है और पीसफुल भी शांत होता है, वॉयलेंट जो होता है वो शांत नहीं होता, वो उग्र होता है। इसका मतलब हमारा आंसर जो ए और बी दोनों ही सही है, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, फिर भी अपने को ध्यान में रखना है कि हमारा आंसर ए भी सही है और हमारा आंसर बी भी सही है। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछ भी ले तो ध्यान देना है कि आंसर ए और बी हमारा दोनों ही सही हो गए हैं। ओके क्वेश्चन आफ्टर लूजिंग, अगला अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है आफ्टर लूजिंग द मैच, आफ्टर लूजिंग द मैच आवर कैप्टन वॉज सिटिंग देयर कंपोज्ड एंड डेस्पोंडेंट। हमारा जो कैप्टन जो था वो शांत और निराश बैठा था, तो अब अपने को देखना है कि शांत और निराश, तो कंपोज्ड जो वर्ड है इसका अपने वो क्या करना है, सिनोनिम्स ढूंढना है, कंपोज्ड जो वर्ड है इसका सिनोनिम्स ढूंढना है। कंपोज्ड का मतलब पीसफुल होता है, शांत होता है, फ्यूरियस क्या होता है, गुस्से वाला होता है, वॉयलेंट भी गुस्से वाला होता था, हमारा आंसर कौन सा हुआ, पीसफुल हुआ, तो हमारा आंसर आ गया पीसफुल, ठीक है ना, हमारा आंसर कौन सा आया, पीसफुल आ गया। ओके तो हमारा आंसर आ गया है पीसफुल, ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए अपना, क्वेश्चन नंबर 7, एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, हर आदमी धन कमाना चाहता है थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स इन द वर्ल्ड, एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स इन द वर्ल्ड, यानी इस संसार में गलत तरीके से बेईमानी वाले तरीकों से हर आदमी धन कमाना चाहता है, तो डिसऑनेस्ट का सिनोनिम्स पूछा है इसने। डिसऑनेस्ट का सिनोनिम्स देखो ट्रैकरस, ट्रैकरस माने भी क्या होता है, डिसऑनेस्ट मीन्स होता है यानी बेईमानी वाले तरीके होते हैं, धोखेबाजी वाले तरीके होते हैं, डुप्लीसीटस का अर्थ भी क्या होता है, धोखे देने वाले तरीके होते हैं, तो ट्रैकरस भी इसका सिनोनिम्स और डुप्लीसीटस भी हुआ। अच्छा सिनोनिम्स की जगह अगर हम बात करें तो अब सिनोनिम की बात करें तो दोनों ही होंगे, डिसऑनेस्ट का मतलब ट्रैकरस भी होता है डुप्लीसिटस भी होता है। अच्छा रिलायबल जो है वो उसका नहीं होता, इसका मतलब हमारे ये दोनों ही आंसर सही है, ये आंसर भी इसका सही है, इसका मतलब ये डुप्लीसिटस और ट्रैकरस ये दोनों ही आंसर हमारे इसमें सही हुए, तो ये दोनों क्या है इसके सिनोनिम्स है डिसऑनेस्ट के, लेकिन रिलायबल जो होता है वो रिलायबल का मतलब भरोसेमंद, जो सच्चे हों ईमानदारी पूर्ण हो तो रिलायबल होते हैं, तो वो सही नहीं है। ओके नेक्स्ट देखिए फोर्थ राइट मीन्स कैरीज ए मैन अहेड इन हिज लाइफ सो मस्ट नॉट यूज द डुप्लीसिटस मैनर टू अर्न मनी, यानी जो ईमानदारी पूर्ण साधन है वो मनुष्य को जीवन में आगे लेके जाते हैं, इसलिए अपने को डुप्लीसिटस मैनर जो है मतलब धोखेबाजी वाले आचरण जो है धन कमाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। तो कह रहा है फोर्थ राइट शब्द का सिनोनिम क्या है, तो सीधी सी बात है फोर्थ राइट मतलब ईमानदार पूर्ण जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, तो वो कौन से होते हैं, रिलायबल होते हैं, तो वो रिलायबल होते हैं, तो ध्यान देना वो रिलायबल होते हैं, ट्रैकरस नहीं हो सकते, धोखेबाजी पूर्ण नहीं हो सकते, डुप्लीसिटस नहीं हो सकते, तो हमारा आंसर हो गया रिलायबल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मिस्टर सुरेश कुमार एक्सप्रेस हिज ट्रेंशंट व्यूज, ट्रेंशंट व्यूज कौन से होते हैं, ट्रेंशंट व्यूज इन द मीटिंग, मीटिंग के अंदर सुरेश कुमार ने अपने ट्रेंशंट व्यूज जो है वो रखे, इज नॉन फॉर इज इफेक्टिव पोएट्री, अपनी इफेक्टिव पोएट्री के लिए जाना जाता है, तो ट्रेंशंट व्यूज जो होते हैं स्पष्ट होते हैं शार्प होते हैं, जिसको कहते हैं कटु, जिसको बोलते हैं कटु विचार, स्पष्ट शार्प जो विचार होते हैं जिसका एक अर्थ होता है सटीक जिसको बोल सकते हैं, ताकतपूर्ण जिसको बोल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस तो होता है द्विअर्थी, इसका मतलब वो द्विअर्थी विचारों में ताकतपूर्ण नहीं होंगे, फीबल का मतलब कमजोर होते हैं, इसका मतलब ये दोनों ही इसका आंसर सही नहीं है, सिनोनिम्स पूछा है तो सिनोनिम्स इसका फोर्सफुल सही है, तो हमारा इसका सिनोनिम्स आ गया जी फोर्सफुल, ठीक है ना, इसका सिनोनिम्स कौन सा हुआ, फोर्सफुल आ गया, तो ये फीबल का कमजोर होता है, एम्बिग्यूअस ये दोनों दोनों के लिए क्या हो गए, इसके एंटोनिम्स हो गए, ट्रेंचेंट ये ट्रेंशंट जो है इसका अर्थ होता है फोर्सफुल, एम्बिग्यूस और फीबल इसके क्या हो गए, एम्बिग्यूस और फीबल इसके क्या हो गए, एंटनिम्स हो गए। दिस सेंटेंस हैज एम्बिग्यूस मीनिंग, अब एम्बिग्यूस पूछ लिया, एम्बिग्यूस का मतलब ये एंटनिम ही पूछ रहा है, एम्बिग्यूस का मतलब कमजोर, इसका मतलब ये तो सिनोनिम्स हो गया, फोर्सफुल फोर्सफुल एम्बिग्यूस फोर्सफुल नहीं हो सकता, एम्बिग्यूस जो है वो फोर्सफुल नहीं हो सकता क्योंकि वो तो कमजोर विचार होते हैं, इसका मतलब ट्रेंशंट जो होते हैं, ट्रेंशंट
ट्रेंचेंट जो होते हैं वो फोर्सफुल होते हैं, इसका मतलब ट्रेंचेंट जो हमारा विचार है वो सही हुआ, तो ट्रेंचेंट इसका आंसर बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट देखिए ट्रेंचेंट का अर्थ है, उसके बाद व्हेन एवर प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड एट अमेरिका ही गॉट टमल्टस वेलकम, टमल्टस वेलकम हुआ, टमल्टस मतलब उग्र, बहुत ज्यादा जोशपूर्ण, बहुत ज्यादा भावपूर्ण जो होता है उसको टमल्टस कहते हैं। हालांकि इस शब्द के अंदर सिनोनिम की बात करें तो वॉयलेंट भी इसका सिनोनिम होता है, राइटस भी इसका सिनोनिम होता है। तो ये टमल्टस और का वॉयलेंट और राइटस दोनों ही सिनोनिम्स होते हैं, तो हारमोनियस जो है इसका टमल्टस का नहीं होता, तो ये सिनोनिम पूछ रहा है। हालांकि ऐसे एंटोनिम पूछना था, तो ये दोनों ही सेंटेंस हमारे दोनों ही इसके टमल्टस के वायलेंट और राइटस दोनों ही इसके बिल्कुल सही हो गए हैं, तो ये दोनों आंसर इसके बिल्कुल सही है। 11वें के सिनोनिम्स की बात करें तो हारमोनियस इसका नहीं होता। द वर्ड राइटस पार्टी, आई वॉन्ट राइटस पार्टी टू नाइट सो यू मस्ट अरेंज एवरी थिंग अकॉर्डिंगली, द राइटस पार्टी चाहिए, तो राइटस का मतलब कैसी पार्टी, राइटस वो पार्टी चाहिए जो टमल्टस हो, जो वॉयलेंट हो, उग्र हो, पूरे जोश भरी हो, जिसमें जुनून हो, ऐसी पार्टी। वो ऐसी पार्टी पीसफुल तो हो नहीं सकती, ना हो हार्मोनियस हो सकती, इसका मतलब इसका उल्टा पूछा है इसने, राइटस का उल्टा एंटोनिम्स पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ, राइटस का उल्टा तो पीसफुल और हार्मोनियस दोनों ही हो गए, तो एंटोनिम्स पूछा है, तो ये दोनों इसके राइटस के एंटोनिम हो गए, राइटस के एंटोनिम दोनों ही हो गए हैं, पीसफुल और हार्मोनियस, तो दोनों ही इसके उत्तर आ चुके हैं कि राइटस जो पार्टी थी, राइटस पार्टी वो पीसफुल नहीं होती है, हार्मोनियस नहीं होती, वो टमल्टस होती है या वॉयलेंट होती है। तो राइटस और टमल्टस और वॉयलेंट ये तीनों के तीनों वर्ड जो हैं वो क्या है, सिनोनिम है, लेकिन इसके एंटनिम्स जो है वो पीसफुल और हार्मोनियस हो गए। पीसफुल शांत होते हैं, हार्मोनियस का मतलब मेलजोल जिसमें अच्छा हो। यू मस्ट नॉट क्वेरल ओवर द ट्रिफलिंग मैटर्स, आपको ट्रिफलिंग मैटर्स के ऊपर झगड़ा, ट्रिफलिंग मतलब तुच्छ मामूली सी बात जो इसको कहते हैं, तो ट्रिवियल ये सिनोनिम पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है, तो ट्रिफलिंग का मतलब ट्रिवियल ही होता है, तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट का मतलब भी तुच्छ होता है, जो कम महत्वपूर्ण हो, तो वेटरन जो है था महत्वपूर्ण होते हैं, इसका मतलब हमारे बोथ ए एंड बी ये दोनों आंसर हमारे बिल्कुल सही हो गए हैं, बोथ ए एंड बी, इसका मतलब ट्रिवियल भी है इनसिग्निफिकेंट है, ये दोनों के दोनों इसके सिनोनिम, वेटरन जो है ट्रिफलिंग का एंटोनिम्स होता है। द पार्टी हैड आफ्टर ऑल सपोर्टेड द वॉर एंड मैनी मेंबर्स वर वेटरन्स, बहुत सारे मेंबर वेटरन्स थे, मतलब एक्सपीरियंस होल्डर थे, यानी वो तुच्छ नहीं थे, इसका मतलब महत्वपूर्ण थे, तो इसका ये पूछ रहे वेटरन का एंटनिम, इसका मतलब इनसिग्निफिकेंट इसका एंटनिम हो गया, इसका विलोम शब्द क्या हुआ, इनसिग्निफिकेंट हो गया, तो इनसिग्निफिकेंट इसका विलोम शब्द हो गया, यानी एंटनिम हो गया। सिग्निफिकेंट जो है वेटरन का, वेटरन का सिनोनिम्स होता है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे शब्दों को सीखा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारी वीडियो में इसी तरीके से।